हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर की सब्जी। हाँ जी हाँ, ये आप पार्टी में भी बनाकर खा सकते हैं और सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम किस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में डाल दिए मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 तेज़पत्ता, साथ में ही मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब जीरा, साबुत जीरा। हल्का सा इसे फ्राई होने देते हैं। अब साथ में ही मैं इसके डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज, इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आज हम सब्जी बनाने वाले हैं, इस तरीके से अगर आप घर पर अपने सब्जी बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और किसी भी पार्टी में आप इसे आराम से बना सकते हैं। सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो प्याज को हल्का हल्का चलाते हुए भूनते जाएंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है प्याज का, और तेज पत्ते का भी अब काम ख़त्म हो चुका है। निकाल लेते हैं इसे भी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर था वो ऑयल में अच्छी तरह से आ चुका है। और प्याज भी हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिक्स कर देते हैं इसे भी प्याज में और भून लेंगे इसे भी 1 मिनट के लिए। ये देखिए प्याज, लहसुन, अदरक हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इससे ज़्यादा और इसे हम नहीं फ्राई करेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें ग्रेट किए हुए टमाटर। जी हाँ, आप पेस्ट भी बना सकते हैं टमाटर की, पर मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं मैंने, जिन्हें मैंने ग्रेट किया है। तो मिक्स कर देते हैं इसे भी मसाले में, प्याज लहसुन अदरक के। तो टमाटर भी मिक्स हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें सभी सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में भी देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नमक लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या 1 चम्मच कहिए, 1 चम्मच ही ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही मैंने लिया है धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच के करीब लिया है मैंने आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से इस सब्जी में टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, आप आमचूर पाउडर इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। अब मिक्स कर देंगे सभी मसालों को। और फ्रेंड्स, इसे हम अब पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम 7 से 8 मिनट। उससे पहले मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे हरी मिर्च पसंद है इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दी है, और वैसे भी इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है इससे। क्योंकि कई लोग कम तीखा पसंद करते हैं और कई ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, तो उसी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो 8 मिनट पूरे हो चुके हैं और मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा मसाला भुन चुका है, ये देखिए। तो और हमें मसाला भुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल सेपरेट हो चुका है। और फ्रेंड्स, अब मैं डालूंगी इसमें कटे हुए आलू, जिन्हें मैंने पहले ही छील कर अच्छी तरह से धोकर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो सभी आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। और मिक्स कर देते हैं इसे एक बार। और फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे भुनेंगे हाई फ्लेम पर ही। मैं इसे कम से कम 2 मिनट तक भूनूंगी, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएं और मसाला भी उनमें आ जाए, उनका फ्लेवर भी आ जाए मसालों में, मसालों का। तो भून लेते हैं। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं भूनते हुए, तो आलू हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें पानी। आलू भूनते समय
आलू भी भून जाते हैं और मसाला भी अगर थोड़ी बहुत कसर हो तो वो भी भून जाता है। तो अब हम इसे पकने देंगे 7 से 8 मिनट और, क्योंकि आलू हमारे कुक होने चाहिए अच्छी तरह से। ढक देते हैं इसे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट पूरे हो चुके हैं और आलू भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको एक आलू तोड़ कर दिखाती हूँ, पर उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। ये देखिए, मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, आप फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पकने देते हैं इसे थोड़ा और, तो थोड़ा और पानी मैं डाल दूंगी इसमें, कम से कम 1/4 कप के करीब मैं इसमें और पानी ऐड करूंगी, ताकि हम ग्रेवी को एडजस्ट कर सकें। जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उसी के हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने 1/4 कप और इसमें पानी ऐड किया है। तो मैं ढककर इसे पकाऊंगी। तो 6 से 7 मिनट पूरे हो चुके हैं और तो सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं आलू आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, आलू हमारे पूरी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, मटर गल चुके हैं, सब्जी हमारी बन चुकी है। अब मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला। तो डाल देते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा और बढ़िया खुशबू तो आ ही रही है। साथ में डाल देती हूँ कटा हुआ हरा धनिया। फिर मिक्स कर देते हैं एक बार इसे, सभी फ्लेवर और अच्छी तरह से आ जाएं सब्जी में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरह से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो मैं आपको एक बॉल में भी इसे ट्रांसफ़र कर दिख करके दिखाती हूँ कि इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है। ये देखिए ग्रेवी, देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है, देख रहे हैं ना आप। तो आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए। आप इसे चावल के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, सभी के साथ ये बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आपके लिए आलू मटर की सब्जी। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से इसका कलर दिखाती हूँ कि ये देखने में भी कैसी है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। ये देखिए, है ना लाजवाब। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक बार, बाय बाय।